मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हृदय से स्वागत करूंगा। आज ये वीडियो होगा पर बहुत ज़रूरी होगा। क्या होता है कि हम लोग पानी में जब गाड़ी को चलाते हैं, ये जो सॉकेट्स होती हैं, ये जो आपकी रबर की होती हैं खासकर, इसमें हमें मालूम नहीं चलता पर ये अपना काम करती रहती हैं। क्या होता है, इनमें धूल चली जाती है। जब इनमें धूल जाती है ना, तो वो क्या है कि जब आप पानी डालते हैं तो मॉइस्चर को खींचती है। खुला पानी उतना नहीं नुकसान करता जितना नुकसान आपका करता है जो मिट्टी के साथ पानी रहता है, क्योंकि वो मॉइस्चर को रोक के रखता है और मॉइस्चर के कारण ही हमारी गाड़ी में जंग लगता है। तो आज एक छोटा सा वीडियो कोशिश करेंगे बनाएं और आपको दिखाएं कि आप जहाँ जहाँ पे भी बीट्स लगी हैं हमारी गाड़ी की, वहाँ पे खासकर बोनट की बीट्स, बोनट पे सबसे ज़्यादा पानी रुकता है। कहीं से भी आप लाएं, गाड़ी धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके पानी रुकता है। तो आज हम उसी को दिखाएंगे कि कितना कचड़ा है और आप ध्यान नहीं देते, इसका ध्यान रखिए। अभी आप देखो ये है ना, बताइए ये कितना आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन है। देखिए आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा पर अभी आप देखो आप, यही हमारी गाड़ी में जंग लगाते हैं, ये देखो आप। तो आज हम इसी को साफ करेंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस हल्के हल्के से आप कुछ निकालते जाना। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे ऐसे निकल आएगा, कितना गंदा है देख रहे हो आप। यही आपकी गाड़ी में जंग होने का कारण है। और आप कोई भी इंसान हो, कैसे भी इंसान हो, आप इसको साफ कर सकते हैं। देखिए ये आपकी निकल आई, ये देखिए। आदमी सोच नहीं सकता इतना कचरा है, ये देखिए देख रहा है। देखिए हाथ की पोजीशन देखिए। तो अगर आपकी भी पुरानी गाड़ी हो गई हो तो इसको साफ करने का क्या तरीका है, आपको सर्फ एक्सल लेना है, पानी नहीं डालना है, पानी यहाँ पर सेंसर है। खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पानी डालना भी हो तो पानी डाल सकते हैं। चूँकि मेरी गाड़ी अभी धुली हुई है ना, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको धुलूँगा और इसको धुलूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल सा सर्फ एक्सल ले लें, और सर्फ एक्सल लेने के बाद उसको क्या करें, एक कपड़ा ले लें, कपड़े से पहले इसको पोंछें फिर इसको पोंछें। आपको पानी लेना है, ये आपको दिख रहा है पानी लेना है। इसमें हल्का सा निरमे का यूज कर, आप शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर चूंकि बहुत डस्ट है ना तो शैम्पू थोड़ा सा उतना नहीं है। ये मेरे को आज ही मालूम चला जब मैं गाड़ी धो रहा था, खैर एक वीडियो बना रहा था आपके लिए, वो पहले ही आपको मिल गया होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, या फिर ये पहले मिलेगा, आई पता नहीं। तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, इसको आप ऐसे ही साइड में रख दें, अभी उतना मत करें, इसको अच्छे से घोलना जरूर है आपको, ये पूरा घोल लीजिए। एक ख़राब कपड़ा लेना है, ये आप ऐसा ख़राब कपड़ा ले लें और फिर इसको, अरे बाप रे देखिए, देखिए देख रहे हैं, कसम से ये पूरी गाड़ी खराब हो जाती। अभी क्या हो रहा है कि साफ करते नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये डंडा है ना, डंडे से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे ही आप एक डंडा लगा लें कि ये गिरे उड़े नहीं, अच्छी तरह से लगाइएगा, टूटने उठने गिरने उड़ने का डर ना रहे। मैंने लगाया तो है, मेरे को डर लग रहा है, चलिए हो गया। वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कितना रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी, बहुत नहीं थोड़ा बहुत। अभी अब आपको धीमे धीमे इसको साफ करना, अरे बाप रे कितना कचड़ा है, देखो आप देखो। तो आपको इसको ऐसे ऐसे देख रहे हो, क्यों ना गाड़ी जंग खाया है। हम लोग दूसरी कंपनी को कहते हैं कैसी है वैसी है, हमें खुद केयर करना तो आता नहीं है, देख रहे हैं बाप रे कितना कचरा है सचमुच। मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास कोई भी गाड़ी हो, एक बार बोनट खोल के जरूर साफ करें, बहुत कचरा है। मेरे को दया आ रही है मेरी गाड़ी पे, कितना कचरा लेके ये घूम रही है बेचारी। हम लोग इसको कहते हैं कि ये ख़राब है वो ख़राब है, केयर करना हम लोग जानते नहीं हैं, बाप रे।
बहुत कचरा है साहब, देख रहे हो आप, यही आपके जंक खाने का कारण बनता है। ये हमारा, ये देखिए पूरी तरह से ये हमने साफ कर दिया, थोड़ा बहुत है साफ ही कपड़ा नहीं, आप अच्छे कपड़े से साफ कीजिएगा, ये तो हम लोग घर वाला काम है इसलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी हम भी सफाई नहीं रख पाते। ये देखिए जंक खाना स्टार्ट भी हो गया, ये देखिए देखिए पपड़ियाँ हल्की हल्की बन गई, हमेशा इसको बचाएं। उसके बाद आप अच्छा कपड़ा लीजिएगा, मेरे पास साधन कम था इसलिए मैंने इसको ले लिया, हो गया, आपस के ही लोग हैं, क्या खराब क्या अच्छा। तो अभी ये तो साफ हो गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें साफ पानी से लेना है, क्योंकि देखिएगा ये देखिए ये अभी कचड़ा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हल्का हल्का करेंगे और फिर इसको साफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए अब बिल्कुल साफ हो रहा है, देखिए देखिएगा, थैंक गॉड मैंने आज देख ही लिया, पता नहीं इसमें कब से धूल जम रही होगी, जब से पेंट हुआ है तब से। थोड़ा सा मैं एक जगह पे कैमरे को रख दूं और फिर मैं इसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये हल्का फुल्का कपड़े से साफ कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, उसमें जो दाने पड़े हुए हैं या पेंट हुआ है एक्स्ट्रा, जो रबर उसमें डली रहती है, उसमें ये प्रॉपर कपड़े साफ नहीं हो रहा है, इसलिए ये देखिए हम ब्रश का यूज करेंगे, ब्रश का यूज करने से ये प्रॉपर अच्छे ढंग से ये साफ हो जाएगा। अभी इसमें देखिए हम हल्का हल्का सा पानी डालेंगे जिससे वो साइड साइड से वो निकल जाए। देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने, शायद आपको टाइम लैप्स में दिखाया होगा कि आपको फिर ब्रश का यूज करना है बाद में। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये सूखा कपड़ा लेना है कैसा भी, इसको पोंछ दीजिए अच्छे से, बिल्कुल पोंछ दीजिए। चलिए वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आपको भी मालूम चलती होगी, मेरे को तो मेरी गाड़ी दुआएं देगी अब, मतलब है यार, मतलब कहाँ कहाँ से नहीं कचरा घुस आता गाड़ियों में, मतलब अपन क्या कभी ये सोचेंगे कि हमें इसको खोलना चाहिए, कभी नहीं सोचेंगे, पर देखिए इसमें भी कचरा है, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, देखिए कितनी अच्छी बात, थोड़ा सा मेहनत लगा, वो 5-10 मिनट का तो है मेहनत, इससे ज़्यादा तो है नहीं। चलिए अब थोड़ी सी रबर को साफ करते हैं, ये अब रबर की बारी, रबर को हम सबसे पहले साफ करेंगे एक को, जिससे हमने पहले गीला कपड़ा से साफ किया था उसी से हम इसको साफ करेंगे। सबसे पहले इसको ये हम इसको ऐसे पूरा इसको साफ करेंगे, हद से ज्यादा मिट्टी। अब ये इससे साफ हो चुका है, अब ब्रश लेंगे, ब्रश से इसको साफ करेंगे, कितना कचरा है साहब, देखो आप ये देखो, इसको इसको ब्रश से साफ करना है, ये देखो आप हाथ से नहीं साफ कर सकते, तो आपको इसको ब्रश से, ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया। तो मैं इसे साफ करके फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी तरह से सूख गया है, ये पूरी तरह से सूख गया है, और ये देखिए ये मैंने इसको भी सुखा लिया है, हल्का सा पानी है अंदर साइड पे भी हल्का सा पानी है, तो मैं आपको अभी लगाना सिखा दूंगा, फिर उसके बाद जब आपकी गाड़ी सूख जाए, चूँकि शाम हो रही है मेरे को ये वीडियो आज क्लोज ही करना है हर हालत में, तो मैं इसको लगा के आपको लगाना दिखा देता हूँ और देन फिर मैं इसको सुखा लूँगा। धोना कैसे है मैंने आपको बता दिया, ब्रश ज़रूर होना चाहिए, इसको आपको सीधे ऐसा फिट करना है, सीधे के सीधे ऐसा, ध्यान दीजिएगा जो ये बीट है, ये लगने वाली बीट आपकी इधर साइड पे होगी, ध्यान दीजिएगा ऐसे, और फिर इसको आप ऐसे दबाते जाएंगे तो ये दबता जाएगा।
यह आपको दिख गया। अब आपको जब ये इधर आ जाए तो फिर आपको यहाँ से दबाना स्टार्ट कर देना है, हमेशा एक साइड पे दबाना स्टार्ट करें। ये पूरा दब गया, ये पूरा दब गया, ये दब गया, देखिए दबता जा रहा है। उसके बाद अब उधर दबाना है, जहाँ पे थोड़ा सा उठा दिखाई देना उसको फिट कर। ये देखिए हो गया, वहाँ पे हल्का सा उठा हुआ है, आपको दिखाऊं। ये हमारी गाड़ी का काम पूरी तरह से हो गया। मैं आपको बंद करके भी दिखाता हूँ। एक चीज़ ज़रूर है, आपको जिधर इधर साइड पे लगा रहे वैसा ही उधर साइड पे रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जहाँ से स्टार्टिंग हो वहीं से रखना है बिल्कुल बराबर। ये थोड़ा सा मेरा एडजस्ट भी नहीं था तो मैंने उसको एडजस्ट किया है। इसको हटाना है, ये आपका बंद हो गया, देखिए प्रॉपर हो गया। तो बस इसी तरह से आपको करना है, बिल्कुल क्लीन है ये देखिए। चलिए इसी चक्कर में थोड़ा सा साफ हो गया, वीडियो के चक्कर रात हो रही है और मेरे को ये क्लियर करना था इसलिए मैंने ये कर दिया। बस आपकी गाड़ी है, देखिए ये सेफ्टी के लिए लगा रहता है, कभी कभी वही सेफ्टी आपका नुकसान कर देती है। तो ठीक है, अभी तो बहुत सही बैठ गया है बिल्कुल सही बैठा है, बिल्कुल कहीं पे भी उठाव नहीं है, ये चीज़ अच्छी हो गई इस गाड़ी की। तो देखा, ये छोटी सी चीज़, बहुत छोटी चीज़ है पर ये आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, इसमें कोई जंग नहीं लगने का कारण है, ना इसमें फिटिंग की कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बीच बीच में साफ़ कर ले, ये मेरे को सच में आज दिखा है। तो अब छोटी सी चीज़ है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही बुलेरो से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, जो लोग देखते हैं उनको तो मालूम ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब किया है तो आपका दिल से धन्यवाद, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।